हाथरस की पीड़िता को इंसाफ के लिए हर तरफ से आवाज उठ रही है, तो इस मसले पर सियासत भी हाउसफुल है। हाथरस कांड को लेकर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। हाथरस से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। यूपी के सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया है और लिखा कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हाथरस में जो कुछ हुआ उसके बाद से योगी सरकार बैकफुट पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर है और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी एक के बाद एक ट्वीट के जरिए सीएम योगी से इस्तीफे की मांग पर अड़ी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, इस्तीफा, आपको यूपी के मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को प्रियंका गांधी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुई। कांग्रेस महासचिव ने हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की और वहीं से योगी सरकार पर निशाना साध लिया। अपनी आवाज उठाइए, मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए। हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है। इस बीच हाथरस कांड पर जारी सियासत की एक और तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिली। शुक्रवार की शाम जंतर मंतर पर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो सारा प्रकरण हुआ उससे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जो परिवार है उस परिवार को इस वक्त सहानुभूति की जरूरत है। हाथरस कांड पर जहां राजनीति जमकर हो रही है, तो वहीं शहर शहर घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। लखनऊ में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठी का शिकार होना पड़ा। वहीं वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। इसके साथ ही अलीगढ़, सहारनपुर और औरंगाबाद में घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। यूपी के मिर्जापुर और बिहार के शिवहर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया। देश के हर शहर से हाथरस की पीड़िता के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ आक्रोश की आवाज उठ रही है। उधम सिंह नगर और श्रीनगर में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं और पीड़िता के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की है। आज तक ब्यूरो।